नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह एक साधिका का है और उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप में अपने इस रंभा अप्सरा साधना के अनुभव को लिख करके भेजा है। तो चलिए पहले उनकी आवाज़ में हम लोग सुन लेते हैं कि क्या है अनुभव और फिर इनके कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं इनकी आवाज को। प्रणाम गुरु जी, मैं कर रही हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी ऑडियो सुन रहे हैं। गुरु जी, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं बचपन से ही शिव शंकर जी की पूजा करती आ रही हूँ, माता गौरी की भी पूजा करती हूँ, लेकिन 3-4 साल से मैंने जब से आपकी वीडियोस देखी है, माता गौरी की महाशक्तियों के बारे में मुझे बहुत कुछ ज्ञान हुआ है। अब मैं उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करने लग गई हूँ। मैं डेली 1-1.5 घंटा शिव शंकर जी और माता रानी के मंत्रों का जाप करती हूँ, बट कई बार मेरी पूजा स्किप भी हो जाती है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। और गुरुजी, अप्सराओं के बारे में भी मुझे आपसे ही पता चला, जिसमें मुझे सबसे अच्छी रंभा अप्सरा लगी। मैं 7-8 महीने से उनको सिर्फ प्रणाम करती थी अपनी डेली पूजा में, जैसे बोलती थी मैं कि देवी रंभा, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम हो, बस मैं इतना ही बोलती थी। तो गुरुजी, जब से मैंने प्रणाम बोलना शुरू किया, उसके 3-4 महीने बाद मुझे सपना दिखाई दिया, जैसे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ और सामने हमारा बेड है, वहाँ पर कोई लेडी बैठी है कंबल ओढ़कर और आलती पालती लगा के बैठी हैं। तो मैंने गुरुजी उनको बोला मन ही मन सपने में कि आप शायद कोई अप्सरा ही हैं और आप अगर मुझे अपना चेहरा दिखाती हैं तो प्लीज़ मुझे अपना सौम्य रूप ही दिखाइएगा, क्योंकि गुरुजी मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे डर बहुत लगता है। तो मैंने उनसे ये प्रार्थना करी कि प्लीज़ मुझे अपना सौम्य रूप ही दिखाइएगा। तो मेरा सपना बस यहीं तक चला। मैं फिर उनका डेली पूजा में उनको प्रणाम ही करती थी। गुरुजी, मैं उनका मंत्र ढूंढ रही थी यूट्यूब पर, बट मुझे कोई मंत्र मिल नहीं रहा था अच्छा सा। फिर गुरुजी मुझे एक मंत्र मिला, उनका बीज मंत्र। तो मैंने चंद्र ग्रहण जो अभी 5 मई को गया है, उस पर मैंने उनके बीज मंत्र की 11 माला की थी और मैंने उनको ये प्रार्थना करी थी कि देवी रंभा, मेरी कोई भी सहेली नहीं है, आप प्लीज़ मेरी सहेली बनिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका अगर मन हो तो आप मुझे सपने में ही दर्शन दे दिया करें या सपने में मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करें। मैंने उनसे ये प्रार्थना करी थी। तो गुरुजी, इस 11 माला के मंत्र के जप के बाद मुझे कुछ दिनों बाद ही, 10-12 दिनों बाद ही मुझे ऐसा दिखाई दिया सपने में कि एक लड़की आई मेरी सहेली बनकर, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक हॉल में बैठा गई, बोली कि तू यहाँ पर बैठ, मैं अभी आती हूँ। गुरुजी, मुझे उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मैं शक्ल उसकी देख ही नहीं पाई, तो वो चली गई वहाँ से। वहाँ हॉल में एक डॉक्टर टाइप आदमी बैठा था, लगभग 28 साल का, और मेरी मम्मी थी, एक लड़का और था। तो उस डॉक्टर ने मेरी मम्मी और उस लड़के को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया, ऐसा मुझे सपने में दिखाई दिया, और वो खुद किसी दूसरे कमरे में जाके अपनी शर्ट उतार कर आ गया। मैं बेड पर बैठी थी और आते ही वो मेरे पास बैठ गया और अपना चेहरा उसने मेरे चेहरे पर झुका दिया। गुरुजी, वो बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर था। मैं उसकी तरफ जैसे खींची चली जा रही थी, तो उसने जैसे ही अपना चेहरा मुझ पर झुकाया, जैसे शायद वो किस करना चाह रहा हो, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये लड़का आदमी कितना सुंदर है, ये इतना सुंदर है तो प्यार भी कितना सुंदर करेगा। बट फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये इस आदमी को तो मैं जानती भी नहीं, पता नहीं कौन है, और मुझे इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना, आजकल लोग वीडियोस भी बना लेते हैं, मैं क्यों किसी चक्कर में पड़ूं। तो तभी मैंने उसके कंधों पर हाथ रख दिया, उसको बोला रुको, और मैं तुरंत उछल के दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। मैंने उसको वार्निंग दी कि अगर आप मेरे पास आए, मुझे छुआ भी, तो मैं शोर मचा दूंगी, भले ही इसमें मेरी बेइज्जती भी क्यों ना हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। तो उसने कुछ नहीं बोला, उस आदमी ने, वो दूसरे कमरे में चला गया, और दूसरे कमरे में जाते ही उसने अपनी शर्ट पहनकर वो वापस आके मेरे पास नॉर्मल आकर बैठ गया,
और गुरुजी फिर तभी मेरी वो जो फ्रेंड थी वो वापस आ गई, और वो ऐसे दिखाई दिया कि जैसे वो बहुत लंबी हो गई है। मैंने उसको मैं बहुत परेशान थी तो मैंने उसको जल्दी से गले लगा लिया, बट मैं उसकी टांगों तक ही पहुंच पा रही थी क्योंकि वो बहुत लंबी थी। फिर वो आदमी बाहर जाने लगा। हाँ, उस लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने उसको बोला कुछ भी नहीं हुआ। फिर तभी ऐसे दिखाई दिया वो आदमी डॉक्टर जो था वो बाहर जाने लगा। मैंने उसको बोला कि आप चाहते तो मेरे साथ सब कुछ कर सकते थे, बट आपने कुछ भी नहीं किया, आप अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे। तो गुरुजी उसने बोला कि हाँ, कल इसी बेड पर मैंने अपनी वाइफ के साथ सब कुछ किया था बहुत प्यार से, और आज कुछ आपके साथ होता तो ये एक ज़बरदस्ती हो जाती। मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जिस दिन आप मुझे कहेंगी मैं आपके साथ सब कुछ ज़रूर करूँगा। इतना कहते ही वो कार लेकर चला गया गुरुजी। मेरा सपना यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर गुरुजी एक सपना और आया मुझे। मैंने अभी जो रंभा तृतीया गई थी, अभी जो रंभा तृतीया गई थी उस पर मैंने पूजा करने की सोची थी देवी रंभा की, बट मैं सुबह उठने में लेट हो गई। मेरी नींद 8-9 बजे खुली। एक्चुअली मेरी नींद खुली नहीं, किसी ने मेरी नींद खोल दी सपने में ही। ऐसा लगा कि एक 50 साल की कोई देवी आई है, बिल्कुल लाल साड़ी पहनकर। बहुत लाल साड़ी थी उनकी और बहुत सारे जेवर उन्होंने पहने हुए थे। उन्होंने मुझे हिलाया कि उठ जा, आज रंभा तृतीया है, पूजा नहीं करनी क्या, ऐसे बोला उन्होंने। तो जैसी मैं उठकर बैठी मैं उनको देखती रही कि ये कौन है, और वो ऐसा लगा कि जैसे वो थोड़ा हाथ उठाकर ऊपर हाथ उठा के गोल गोल घूम रही, जैसे कुछ नृत्य टाइप कर रही है। और नाचते नाचते उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि नाचते नाचते उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि ये मंत्र से पूजा करो। गुरुजी मुझे मंत्र बिल्कुल समझ में नहीं आया सपने में, ना ही सुनाई पड़ा, बट सपना मेरा यहीं पर ख़त्म हो गया। फिर शाम को मैंने देवी रंभा की बीज मंत्र से पूजा करी, कुछ मालाएं करी मैंने उनकी। तो गुरुजी यही मेरे सपने थे। मुझे आपसे यही पूछना है कि जो हॉल में लड़की लेकर आई थी वो कौन हो सकती है, वो डॉक्टर कौन हो सकता है जो मेरे साथ कुछ करना चाह रहा था बट मेरे कहने पर रुक गया। और जो ये लाल कपड़ों में देवी मुझे दिखाई दी, बहुत सारे चमचमाते गहने पहने हुए, बहुत ही ज़्यादा गहने पहने हुए थे उन्होंने, और मुझे कुछ मंत्र दे रही थी, मुझे उठाया कि उठ जा, आज पूजा नहीं करनी, रंभा तृतीया है। तो गुरुजी ये कौन थी मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या सिर्फ मेरे मन का वहम था, पता नहीं क्या था, आप ही बता सकते हैं गुरुजी। तो जैसा कि आपने अभी इनकी आवाज़ को सुना, अब इन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है वह मैंने इसलिए प्रकाशित किया है क्योंकि देवी रंभा यानी कि ये अप्सरा है, और अप्सराओं से संबंधित जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वह सदैव पुरुषों के प्राप्त होते हैं। इसके कारण से यह एक समस्या हमेशा रहती थी कि अगर स्त्री साधिकाएं अप्सरा की साधना करती हैं तो उन्हें आखिर किस तरह का अनुभव होगा। तो यहाँ पर मैं आज इनके अनुभव के माध्यम से यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पुरुषों के साथ में स्त्रियों से संबंधित घटनाएं, उनका प्रेम वात्सल्य कामना वासना इत्यादि चीज़ें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी इनके साथ वैसा ही हुआ। वह एक गंधर्व था जिसको लेकर के डॉक्टर के रूप में स्वयं रंभा आई थी, और रंभा ने जब उनको प्रसन्न करने या खुश करने की कोशिश की अपने इस गंधर्व के सहायता से, और वह वचन भी देकर गया, यह स्पष्ट करता है कि जैसे पुरुषों के साथ अप्सरा साधना में घटित होता है, ठीक वैसे ही गंधर्व साधनाओं में या इसी तरह अप्सरा की साधना में भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी साधिका जब साधना करेगी तो उसे इसी प्रकार के अनुभव अप्सरा साधना, योगिनी या भैरवी साधना इत्यादि में देखने को मिल सकते हैं। अब इन्होंने जो कुछ प्रश्न पूछे हैं वह इस प्रकार से हैं, चलिए उनको जानते हैं। और
इन्होंने पूछा है कि मैं शिव जी और इस ब्रह्मांड की स्वामिनी महागौरी के साथ साथ हनुमान जी, लक्ष्मी, विष्णु और कामदेव जी की भी पूजा करती हूँ। देवी रंभा को तो मैं कुछ समय से ही पूजने लगी हूँ, तो उनकी अनुभूति इतनी जल्दी कैसे हो गई? देखिए, जब भी हम बड़ी शक्तियों की उपासना करते हैं और उसके साथ कोई छोटी साधना करते हैं, तो अवश्य ही हमें छोटी शक्तियों के दर्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि सिद्धि कोई भी हो उसका कार्य अपने मूल इष्ट से पहुंचने से पहले रोकना होता है, और वह चाहती है कि वह उसका लोक ग्रहण करे, ना कि उच्च लोक में जाए। इसीलिए कोई भी सिद्धि जो होती है वह सब कुछ देती है, लेकिन आपको मूल गंतव्य यानी ईश्वर में विलीन करने से रोकती है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि मेरे इष्ट शिव जी हैं और मैंने सभी भगवानों से प्रार्थना कर रखी थी कि मैं कोई नियम फॉलो नहीं कर सकती हूँ पूजा पाठ का, ना ही मैं पूजा पाठ का सही तरीका जानती हूँ। प्रभु, जो भी जैसे भी करूँ आप स्वीकार करें। गुरु जी, नॉनवेज तो मुझसे छूटता ही नहीं, बहुत खाती हूँ, तो क्या मेरी पूजा गलती से होती है या गलत होती है? देखिए, भगवान शिव हैं इसलिए वह स्वीकार कर लेते हैं, माता काली हैं वह भी स्वीकार कर लेंगी, भैरव जी हैं स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर हनुमान जी हैं, भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, यह सारे देवी देवता नॉनवेज को स्वीकार नहीं करते हैं। इससे आपको परेशानी हो सकती है, जीवन में आर्थिक संकट आएंगे और व्यवसाय इत्यादि में समस्याएं आएंगी, इसलिए हो सके तो अवश्य ही आप नॉनवेज का त्याग कीजिए और धीरे धीरे ही सही आप शाकाहारी भोजन की ओर आइए। अगला प्रश्न आपने पूछा है, देवी रंभा के लिए और क्या कर सकती हूँ जिससे वह खुश रहें? तो स्पष्ट रूप से एक बात जान लीजिए, केवल साधना से ही हम किसी भी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं और सदैव उसे खुश रख सकते हैं। वह शक्ति खुश हो जाती है साधना से, क्योंकि जब हम उसकी साधना करते हैं तो उसके अंदर वह ऊर्जा आपकी बैठ जाती है, उसकी खुद की उतनी पूजा हो जाती है जितनी आप उसकी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वह तो शरीर न होने के कारण पूजा या उपासना का फल प्राप्त नहीं कर सकती थी, लेकिन आपके कारण उसे यह मिलता है, इसलिए वह बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए सिद्धि हो जाने तक आपको अवश्य ही उसका साधना और विधान जो होता है किसी भी साधना का वो करना चाहिए, तब आपको वह दर्शन भी दे देंगी और आपकी हर एक इच्छा भी पूरी करेंगी। गुरु जी, प्लीज बताइए कि क्या मैं उनका बीज मंत्र करती रहूं या आपसे दीक्षा लेने के बाद उनकी सिद्धि भी कर सकती हूं? सिद्धि से देवी रंभा को किसी तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानी तो नहीं होगी ना, क्योंकि मैं उनको किसी परेशानी में नहीं देख सकती। बिल्कुल नहीं, बीज मंत्र का अगर आप जाप अभी कर रही हैं तो आंशिक रूप से कर सकती हैं, लेकिन अगर दीक्षा लेके करेंगी तो आपको पूरा लाभ उसका मिलेगा और साधना में कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कल को अगर आपने अपने आप से उनकी सिद्धि प्राप्त कर ली और कोई बड़ा तांत्रिक या कोई बड़ी शक्ति यह बात जान गई, तो आपसे वो आपकी शक्ति छीन सकती है और आप ठगी सा महसूस करेंगे। इसीलिए गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है, और गुरु दीक्षा लेने से ये भी फायदा होता है कि स्थान भैरव आपकी सारे जाप की ऊर्जा को चुरा नहीं सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, गुरु जी क्या मैं पूरी तरह से आध्यात्म में जा सकती हूँ ताकि लोगों की भलाई कर सकूँ? दुखी लोगों की देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। गुरु जी, मैं एक छोटी सफ़ेद चादर जैसी बन जाती हूँ जिसके मन में मस्तिष्क में स्वार्थ कान में कोई धब्बा हो, ताकि आखिर में इस दुनिया के महापिता और महामाता के लोक में थोड़ी सी जगह पा सकूँ। बिल्कुल, आप लोगों की मदद कर सकती हैं, लेकिन लोगों की मदद करने का तरीका जो होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि आप उनसे भी साधनाएं, उनसे भी पूजा पाठ करवाएं, अपने आप सब कुछ मत कीजिए। यही मैं भी करता हूं, क्योंकि यह आवश्यक है, वरना आपकी ऊपर उनके कर्मों का फल लागू हो जाएगा, यानी प्रारब्ध में आप उनको ग्रहण कर लेंगे। कभी भी लोगों की मदद इस तरह से कीजिए कि वह स्वयं अपनी मदद करना सीख जाएं, ताकि उनका भला हो, अपना भी भला हो और किसी का प्रारब्ध किसी के लिए हस्तक्षेप उत्पन्न ना करे। आगे आप लिखती हैं, अगली बार आपको माता कर्ण पिशाचिनी की साधना की ऑडियो भी जरूर भेजूंगी। तो ये इनके प्रश्न थे,
अवश्य ही आप भेज सकती हैं। स्त्री साधिकाओं के जो भी अनुभव होते हैं स्त्रियां भेज सकती हैं, क्योंकि स्त्री साधनाओं के विषय में कम ज्ञान उपलब्ध है। और जो भी लड़कियां या स्त्रियां साधना करती हैं, तपस्या करती हैं, उनका अलग ही अनुभव होता है। पुरुषों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, अनुभव है, व्यक्तिगत भी अनुभव है, और साधक लोग भेजते भी रहते हैं, उनके बारे में बहुत जानकारी है। लेकिन स्त्रियों के बारे में जब वो साधना करती हैं तो उनको कैसे अनुभव होते हैं, इसके बारे में कम जानकारी है। इससे स्त्री साधिकाओं को मदद मिलेगी। इसलिए अवश्य ही कोई भी स्त्री जो भी धर्म रहस्य को देखती हैं, अगर उन्होंने साधना की है तो अपना अनुभव हमें अवश्य भेजें। और दर्शकों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप लाइव कब आ रहे हैं, तो मैं धर्म रहस्य मेंबर्स के अपग्रेड प्लान में लाइव 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आऊंगा, यानी गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दूंगा। आप चाहे तो वहां पर मुझसे चैट के जरिए वार्तालाप भी कर सकते हैं, और अपग्रेड प्लान के बहुत सारे फायदे हैं। वहां पर जो भी साधना व्यक्ति करना चाहता है उस साधना का पूरा पूरा विवरण प्राप्त कर सकता है। मैं हर एक साधना का विवरण दूंगा स्वयं, ताकि कोई कमी ना रह जाए किसी भी साधना या पूजा पाठ वगैरह में। इसके अलावा धर्म रहस्य को आगे बढ़ाने और साथ ही साथ माता पराशक्ति संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की संबंधित सारी जानकारी मैं 3 तारीख जुलाई के महीने में ऑनलाइन धर्म रहस्य मेंबर्स वीडियो के अपग्रेड प्लान में आकर दूंगा। तो तब तक के लिए कीजिए इंतजार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।